60 साल में अवलिया बनकर तैयार हुई। मैंने दादा ने चालू करवाया, पोते ने खर खत्म करवाया था। लगभग 2500 से 3000 आदमी काम करते थे। सारे हवेलियों का निर्माण इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। सीमेंट चूना पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 5 मंजिला ऊपर और 2 मंजिला जमीन के अंदर, मतलब 7 मंजिला बिल्डिंग। दूसरा ये आप देखिए, एक हॉल, ये साधारण हॉल नहीं है जी। ये आपको देखेगा एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है, सीक्रेट लॉकर, जो उस जमाने में कोई बैंकें नहीं हुआ करती थी। उसके अंदर अपने हीरे ज्वार्थ डालने के बाद में इस पत्थर के शटर को बंद कर दिया। फिर दूसरा पत्थर, ये शटर है? हाँ, ये पत्थर का शटर है। दूसरा भी नॉर्मल पत्थर लगा दिया है। अच्छा। ताकि पब्लिक बार बार ऐसे करेंगे तो पत्थर टूट जाएगा। हाँ, ये अभी जैसे थोड़ा सा लग भी रहा है, हिल भी रहा है हल्का सा पत्थर, ये पूरा फ्रंट से आगे आ जाएगा तो ये तो दिखता भी नहीं होगा जैसे, मतलब। फिर से दूसरा पत्थर लगाते थे बाहर, ग्लास का काम करवा कर छोड़ दिया करते थे इसके अंदर। तो जब घर से जब बाहर जाना होता था उनको, कोई शादी ब्याह किसी के फंक्शन के हिसाब से घर को अगर बाहर जाना होता तो घर का दरवाजा बंद करके चले जाते थे। सिंपल सा एक ताला लगता था उस जमाने में। और घर में प्रवेश किया और सामने मंदिर भी बना दिया। कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करे पहले भगवान के दर्शन हो। इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे ये कांच का काम किया हुआ है तो कांच के अंदर एक और कांच फिट करके इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया है? पूरा इससे कांच के नीचे पूरा पत्थर का पिलर है। अच्छा अच्छा, पत्थर के पिल्लर के ऊपर काम किया गया है, सारा येलो सैंडस्टोन है। ये अंदर जितने भी देख रहे हो ये सारे सिल्वर फॉइल है। अच्छा अच्छा, चांदी के भर गए ये सारे। जी 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 जी। मनाने वाले मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बापना। अच्छा। उनके 5 बेटे, 5 बेटों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण करवाया। ये ऐसे जैसे कंटिन्यूस लाइन से जो जा रहे हैं जी जी, वहाँ तक ही है। जब ये हवेलियाँ बनी थी लगभग 250-350 साल पहले, कहते हैं उस जमाने में लगभग 10 लाख चांदी के सिक्के किए थे उन्होंने 5 हवेलियों को बनाने। चारों तरफ ग्लास का काम किया गया है। ये आम ग्लास नहीं है जी, ये ग्लास सारा बेल्जियम देश से मंगाया गया है। कांच का काम बनाने का कारण क्या था, उस जमाने में इलेक्ट्रिक नहीं हुआ करती थी जी, तो हर पिलर पर एक ऐसे दीपक स्टैंड बनाए हुए होते थे। ओके। तो यहाँ पर एक दीपक जलाते थे फ्रंट आमने सामने दोनों तरफ, और दीपक की रोशनी जब इस कांच पर पड़ती थी तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस कमरों में रोशनी हो जाती थी। छोटी सी रोशनी में भी आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता था, मतलब चकाचौंध हो जाता होगा। जहाँ चारों तरफ जो पटवा, कोई नाम नहीं होता है, राजाओं का दिया गया एक उपाधि होता है, जो कुंदन ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। 24 कैरेट जो सोने का बिस्किट होता है उसके ऊपर से लीफ कटिंग करेंगे वो रियल कुंदन होता है। पटवा खानदान की 7वीं पीढ़ी आज भी इसके अंदर निवास कर रही है। कोई भी गेट के नीचे खड़े हो जाओ तो आपको 365 दिन एकदम ठंडी हवा का एहसास होगा। और ऊपर जो काम देख रहे हो आप, दूर से लगेगा जैसे लकड़ी हो, लकड़ी नहीं है, पीले पत्थर पर काम किया गया है। पीला पत्थर जिसको लोकल भाषा में बालू बलुआ पत्थर भी कहते हैं, बालू मिट्टी का भी बना हुआ है। तो पटवा खानदान सिल्क रूट के अंदर अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, इराक होते हुए पूरा एशिया और यूरोप में कैमल कारवां से यहाँ से पूरा सिल्क रूट में जाता था। 2 नंबर 5 नंबर 1974 में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लिया था। पहला हवेली जो कोठारी पटवा हवेली के नाम से, दूसरा पटवा हवेली है जो गवर्नमेंट के अधीन में है, तीसरा और चौथा वो भी पटवा हवेली है जिसमें फैमिली रहती है, और पांचवा वो भी पटवा हवेली है जो गवर्नमेंट के पास में है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा खेती बाड़ी से संबंधित कोई और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hellokisan.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।